टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासिज़ एम एंड टू एम विद मूवमेंट ऑफ एनर्शिया आई ए एंड आई बी हैव इक्वल कानीटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इफ़ एल एंड एल बी बी देर एंगुलर मूवमेंटा रेस्पेक्टिवली देन तो मेरे पास दो आर्बिटरी शेप की बॉडीज़ हैं राइट एक का नाम है ए दूसरे का नाम है बी एक का मूवमेंट ऑफ एनर्शिया आई ए दूसरे का मूवमेंट ऑफ एनर्जिया आई बी और आई बी का मूवमेंट ऑफ एनर्शिया जो आई बी मूवमेंट ऑफ एनर्जिया है वो ज़्यादा है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ए की और बी की दोनों की इक्वल है तो हमको इनके एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन पता करना है देखो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है तो हमको इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए इनके बीच में जैसे हम रिलेशन लिखते हैं ना लीनियर मोशन के अंदर जैसे लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर इसी अपॉन टू एम इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांजेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना तो के इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम ये काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है सिमिलरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लिखेंगे ऐसे यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी की जगह आ जाएगा एल स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम टू की जगह टू और m की जगह आ जाएगा i i यानी कि मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया क्योंकि मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आएगा और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा राइट अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की a और b की दोनों की इक्वल है ना तो इक्वेट कर दो तो आ, ए वाले के लिए हम लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के एल अपॉन टू आई ठीक है ना एल स्क्वायर अपॉन टू आई साथ में सब्सक्रिप्ट में ए पुट कर देंगे सिमिलरली यहाँ पे भी एल स्क्वायर अपॉन टू आई सब्सक्रिप्ट में बी पुट कर देंगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो एल स्क्वायर ए अपॉन आई ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बी अपॉन आई भी आ गया अब एल को आप नीचे ले लो इसके साथ यहाँ पे और आई को वहाँ पे ले लो तो हमारे पास एल ए और एल बी का रेशियो का स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू आई ए अपन आई बी तो एल ए करस्पॉन्डिंग है आई ए के और एल बी करस्पॉन्डिंग है आई बी की आई बी के है ना तो अगर आई बी बड़ा होगा तो इसका मतलब एल बी भी बड़ा होगा और अगर आई ए छोटा होगा तो इसका मतलब करस्पोंडिंगली एल ए भी छोटा होगा तो इसलिए अगर आई बी बड़ा है तो देअर फोर एल बी भी बड़ा होगा यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है बी वाली बॉडी का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए वाली बॉडी का सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग